मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। बाइक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम आए हैं सुदर्शन होंडा शोरूम पर और मैं थैंक्स करना चाहूँगा उनकी पूरी टीम का और स्पेशली ओनर का जिन्होंने हमको बाइक प्रोवाइड कराई ताकि हम उस बाइक का वीडियो बनाकर आपको उस बाइक की खासियत बता सकें। और ये आप लोग के लिए अच्छे अच्छे ऑफर्स लाते रहते हैं, इसलिए अगर आप इटार से होशंगाबाद के पास में रहते हैं तो एक बार इस शोरूम पर विजिट करें और अपनी पसंदीदा बाइक को बाय करें। तो दोस्तों, ये है हमारे पास होंडा कंपनी की सबसे शानदार बाइक होंडा लिवो। इस बाइक के लुक्स के बारे में बात किया जाए तो इसका जो लुक है वो और दूसरी 110 सीसी की बाइक से काफ़ी अलग है, क्योंकि इसका डिज़ाइन, एरोडायनामिक लुक्स, मस्कुलर टैंक बाइक को एक स्पोर्टी लुक देता है, जिसके कारण लोग इसको पसंद करते हैं। और इसमें आपको बॉडी स्टिकरिंग बहुत कम मिलती है और बेस्ट क्वालिटी का शाइनी पेंट जॉब इसमें किया जाता है, जिसके कारण बाइक सनलाइट में बहुत ही शानदार दिखती है। इसके कॉम्पिटिटर बाइक के बारे में बात किया जाए तो वो है TVS रेडियन और हीरो, लेकिन अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए तो TVS रेडियन एक बेस्ट चॉइस है, लेकिन अगर आपको बाइक लुक्स के हिसाब से चाहिए तो होंडा लिवो का लुक TVS रेडियन और हीरो ग्लैमर के आगे सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और स्पोर्टी लुक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होंडा लिवो एक परफॉर्मेंस बाइक नहीं है, ये बाइक भी आपको परफॉर्मेंस के मामले में बेस्ट रिजल्ट्स देगी। और मुझे जो चीज़ इस बाइक में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है वो है इसका एक्सटेंशन, जो बाइक को एक परफेक्ट स्पोर्टी लुक देने में मदद करता है। रियर लुक्स के बारे में बात किया जाए तो बाइक पीछे से भी बहुत सुंदर दिखती है और इसमें आपको बल्ब टेल लाइट मिलती है, जो बाइक को और भी सुंदर दिखाने में मदद करता है। इंजन के बारे में बात किया जाए, इसमें आपको 109.90 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SI कार्बोरेटर इंजन मिलता है, जिसमें आपको 8.42 PS एट 7500 RPM की पावर और 9.09 न्यूटन मीटर एट 5500 RPM के इसमें आपको टॉर्क मिलता है। फ्रंट लुक्स के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको एक छोटा सा ब्लैक कलर का विंडशील्ड मिलता है कंफर्टेबल राइड करने के लिए और एयर को पास करने के लिए, और ये विंडशील्ड की वजह से बाइक काफ़ी मस्कुलर भी दिखती है। और इसमें आपको कर्व्ड शेप में इसका हेडलैम्प मिलता है, जो बाइक को काफ़ी स्टाइलिश लुक देता है, और साथ ही साथ इसमें आपको हेलोजन बल्ब मिलता है विद बल्ब इंडिकेटर्स, जिनकी डिज़ाइन बाइक को स्पोर्टी लुक देने में मदद कराती है। जैसा कि आप देख सकते हो बाइक कितनी शाइन कर रही है लाइट्स के कारण और कितनी सुंदर दिख रही है। सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और इसमें आपको 240 mm का डिस्क का साइज़ मिलता है। इसमें आपको डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपको 80x100 का टायर साइज़ मिलता है और इसमें आपको 18 इंचेस का व्हील मिलता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बाइक आपको दो वेरिएंट में मिलती है, एक डिस्क वेरिएंट और एक ड्रम वेरिएंट। ये जो आप वेरिएंट देख रहे हो वो डिस्क वेरिएंट है, आप ड्रम वेरिएंट भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप डिस्क वेरिएंट लें, क्योंकि इससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है और एक्सीडेंट लेवल भी कम हो जाते हैं। रेयर सस्पेंशन और टायर्स के बारे में बात किया जाए तो रेयर में आपको स्प्रिंग लोडेड हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलता है और इसमें आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। इसमें आपको डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि ये वेरिएंट आपको सिंगल डिस्क में ही मिलता है। और इसमें आपको सेम 80x100 का टायर साइज, 18 इंचेस व्हील साइज और दोनों में ही आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको एनालॉग प्लस डिजिटल का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें एनालॉग मीटर आपको ये बताता है कि आपकी बाइक किस स्पीड पर राइड कर रही है और डिजिटल मीटर आपको ये बताता है कि आपकी बाइक कितने किलोमीटर राइड कर चुकी है। इसमें आपको सर्विस रिमाइंडर का अलार्म भी मिल जाता है, आपको इसमें फ्यूल इंडिकेशन का भी ऑप्शन मिल जाता है, रीसेट बटन भी आपको इसमें मिल जाती है और सारे बेसिक सिंबल्स आपको इसमें मिल जाते हैं, जो आपको हर बाइक में मिलता है, न्यूट्रल सिंबल, लेफ्ट राइट इंडिकेटर सिंबल, पास सिंबल, सारा बेसिक सिंबल आपको इसमें मिल जाता है। स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात किया जाए तो स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है, लेफ्ट राइट स्विच, हॉर्न स्विच, जो सारा बेसिक स्विच आपको हर बाइक में मिलता है वो इसमें दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें आपको इंजन कोइल स्विच नहीं दिया गया है, लेकिन इसमें आपको सेल्फ का ऑप्शन दिया है और किक का भी ऑप्शन दिया है। सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको काफ़ी लंबी सीट मिलती है और बहुत ही कंफर्टेबल सीट मिलती है, जिसकी कुशनिंग काफ़ी अच्छी है और ज़रूरत पड़ने पर आप 3 लोग बैठ के इसको बहुत ही कंफर्टेबल राइड कर पाओगे। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज स्टूडेंट हो और अगर आप एक बजटेबल बाइक लेने की सोच रहे हो, जो लुक में भी काफ़ी अच्छी हो, जो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी दे सके, तो भाई होंडा लिवो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आप इसको बाय कर, क्योंकि इसका लुक भी काफ़ी अच्छा है और इससे आप अच्छा खासा एवरेज भी निकाल सकते हो। इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि आप होंडा लिवो बाय करें। तो भाइयों, आज के लिए हमारे वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, उसको शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना आप लोग के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। और हाँ, अगर आप कुछ क्वेश्चंस या कुछ डाउट्स हैं रिलेटेड टू होंडा लिवो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर ही फॉलो करें, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। अभी के लिए थैंक्स।